गाइस हमारे गेम के अंदर आने वाला नया इवो M1014 का स्किन, तो अभी तक हमारे गेम के अंदर और एक M1014 का स्किन अवेलेबल है। तो दोनों स्किन में से गाइस कौन सा स्किन सबसे बेस्ट है एंड आप लोगों को कौन सा लेना चाहिए, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सारे न्यूज़ एंड अपडेट पता चल जाएगा कौन सा लेना सही होगा। सो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आ रहे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे दोनों गन का इवो मैक्स स्किन देख पा रहे हो, लेफ्ट साइड पे हमारा पुराना स्किन देखने में कुछ इस टाइप का होता है एंड जो नया वाला स्किन है वो देखने में कुछ इस टाइप का होगा रेड कलर का। तो दोनों गन का हाथ पे लेने का कंपैरिजन आप लोग देख पा रहे हो कितना ओपी लग रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताना दोनों स्किन में से कौन सा सबसे बेस्ट लग रहा है। और गाइस यहां पे दोनों गन का रीलोड कंपैरिजन देख पा रहे हो, तो दोनों गन का रीलोड एनिमेशन बहुत ही अलग है बट नया गन का रीलोड एनिमेशन बहुत ही ओपी है। एंड अभी गाइस मैं आप लोग को दोनों गन का लुक कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, साथ में न्यू इमोट भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे गाइस लेवल 2 का दोनों गन स्किन का आप लोग लुक कंपैरिजन करके देख पा रहे हो, दोनों का थोड़ा डिफरेंट है। एक तो भाई हमारा ड्रैगन है, दूसरा है स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू थीम पे है, तो दोनों का लुक अलग है। एंड यहाँ पे देख पर हमारा लेवल 3 का लुक, तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस आ गया है। ऊपर थोड़ा सा मतलब रेड इफेक्ट ज्यादा आ गया है एंड नीचे ग्रीन इफेक्ट, तो दोनों बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड इसी के साथ में गाइस यहाँ पे दोनों गन का फायर इफेक्ट देख पा रहे हो, तो लेफ्ट साइड पे हमारा पुराना M10 का है एंड राइट साइड पे नया M10 का है, तो दोनों का फायर इफेक्ट बहुत ही अलग है। एक तो लेफ्ट साइड पे ग्रीन है एंड राइट साइड पे रेड कलर का इफेक्ट रखा गया है। एंड गाइस यहाँ पे हमारा दोनों गन का किल एनिमेशन देख पा रहे हो, तो लेफ्ट साइड पे पुराना M10 का किल एनिमेशन है और राइट साइड पे नया वाला का है, तो मुझे तो नया वाला बहुत ही ओपी लगा, इसका लुक बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ में गाइस यहाँ पे हमारा फायरिंग इफेक्ट भी देख पा रहे हो, तो जब भी आप लोग फायर करेंगे तो ग्रीन वाला से ग्रीन इफेक्ट आएगा और रेड वाला से रेड इफेक्ट आएगा जैसे देख पा रहे, तो थोड़ा सिमिलर है। एंड यहाँ पे भाई देख पा रहे हमारा दोनों गन का इमोट, ओ भाई साहब, तो दोनों गन का इमोट कतई जहर है। पुराना वाला तो ओपी है, नया वाला भी और भी ओपी है जो आप लोग देख पा रहे, तो आप कमेंट करके बताना दोनों गन में से कौन सा इमोट सबसे बेस्ट एंड बढ़िया है। एंड गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा इवो M1014 का फाइनल लुक, तो यहाँ पे लेवल 7 का फाइनल लुक आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, तो दोनों गन में बहुत ही डिफरेंस है। बट यहाँ पे हमारा न्यू इवो M1014 पे एक एनिमेशन है और पीछे से एक डंक मारता है, मतलब बिच्छू ऐसा डंक मर रहा है जैसे आप लोग देख पा रहे हो। और गाइस यहीं पे खत्म नहीं होता है, हमारा पुराना M10 को छोड़ के नया वाला M10 पे कुछ ज्यादा ही फीचर एंड एबिलिटी दिया गया है। जी हाँ भाई, यहाँ पे इस गन पे एक्स्ट्रा कुछ चेंजेस आप लोग खुद बा खुद कर सकते हो, तो इस गन को लेने का कुछ फायदे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले भाई आप लोग इस गन का नाम खुद बा खुद लिख सकते हो, तो जी हाँ भाई यहाँ पे इसका नाम है M1014, बट आप लोग यहाँ पे आपका खुद का नाम रख सकते हैं, नहीं तो किसी और का भी नाम रख सकते हैं। जैसे आप लोग पेट का नाम रखते हो गेम के अंदर, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इस गन का भी नाम चेंज कर सकते हो। और गाइस इस गन को 3 लेवल पे अपग्रेड करने पर आप लोग एक न्यू फीचर देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है एलिमिनेशन काउंट। जी हाँ गाइस, अगर आप लोग इस गन से किसी इनिमी को मारोगे और कितना इनिमी आपने मारा तो उस गन का यहाँ पे काउंटिंग होगा, तो यहाँ पे काउंटिंग मीटर भी आप लोग देख पा रहे हो, तो इस गन का ये फीचर बहुत ही बढ़िया है। किसी को मारने के बाद आप लोग इनिमी काउंट यहाँ पे देख पाओगे। रुको जरा, सबर करो, आखिरी मजा देख के जाओ। तो यहाँ पे भाई अपग्रेड एट्रीब्यूट के नीचे आप लोग देख पा रहे हो कस्टम एट्रीब्यूट, तो जी हाँ भाई इस गन को 4 लेवल पे अपग्रेड करने पर आप लोग आपके हिसाब से यहाँ पे एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं, मतलब इस गन का जो प्रेजेंट एट्रीब्यूट है इसको आप लोग चेंज कर सकते हो, कस्टम कर सकते हो और इसका डबल डैमेज से डबल रेट ऑफ फायर या डबल रेट ऑफ फायर से डबल डैमेज कर सकते हो, बट माइनस पॉइंट गैरिना खुद बा खुद सिलेक्ट करके देगा। तो इसको 4 लेवल करने के बाद आप लोग एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे आप लोग को बुलेट ट्रायल इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे ज्यादा रिक्वेल नहीं होगा इस गन पे, इतना तो श्योर है। एंड इसका एक्स्ट्रा एबिलिटी या फीचर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। इसी के साथ में गाइस अगर आप लोग इसको 8 लेवल तक अपग्रेड करते हो तो आप लोग को और एक एक्स्ट्रा फीचर देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है फाइनल शॉट। तो हमारा इवो गन्स के अंदर ये नया फीचर ऐड हुआ है, साथ में स्पेशल साउंड भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा एंड रीलोड इफेक्ट भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जैसे आप लोग देख पा रहे हो, जो सिर्फ इस M10 पे अवेलेबल है। और गाइस इस गन का फाइनल शॉट क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। मान लो आप लोग सिर्फ 2 बंदे मैच में अवेलेबल हो और आखिरी प्लेयर को अगर आप लोग इस M10 से मारते हो तो ऊपर आसमान से एक बड़ा सा स्कॉर्पियन बिच्छू आएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्लास स्क्वाड पे कुछ इनिमी को मारते हैं, देन यहाँ पे गाइस लास्ट पे जो इनिमी बचा रहेगा इसको देखो मारने के साथ साथ आसमान से एक बिच्छू निकल के आएगा, तो इसी को फाइनल शॉट एनिमेशन बोला गया है। तो इसीलिए बता रहा हूं गाइस हमारा जो न्यू इवो M1014 है इसके अंदर बहुत सारे न्यू फीचर एंड एबिलिटी है, आप लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हो खुद ब खुद। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना ये नया वाला इवो M10 आप लोग निकालोगे कि नहीं निकालोगे, बाकी ये कौन सी इवेंट पे आएगा इसका वीडियो तो मैंने अपलोड कर दिया है, फेडिडुल पे आएगा, वो वीडियो नहीं देखा तो कॉमेंट बॉक्स पे लिंक के जाके चेक करके देख लेना। और गाइस अभी मैं आप लोग को इसी थीम पे बेसिस कुछ और चीजों का कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले यहां पे बाइक स्किन देख लो, जो हमारा कोबरा के बाइक
बाइक स्किन के साथ थोड़ा सिमिलर है, बट यहाँ पे हमारा जो न्यू बाइक स्किन है लेफ्ट साइड वाला, ये KTM की तरह दिख रहा है, बहुत ही ओपी है। एंड गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो ग्लोबल स्किन, तो लेफ्ट साइड पे नया वाला है और राइट साइड में पुराना वाला है। दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला अच्छा दिख रहा है एंड बहुत ही ओपी है, कलरफुल है। एंड गाइस आप लोग को इसी के साथ में और भी बहुत सारे आइटम वगैरह देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि भाई एक न्यू फिस्ट स्किन। तो यहाँ पे आप लोग हमारा लेफ्ट साइड पे कोबरा फिस्ट देख पा रहे हैं, राइट साइड पे हमारा स्कारलेट स्कॉर्पियन वाला फिस्ट स्किन देख पा रहे हो। तो मैं दोनों फिस्ट स्किन को 0 मार्क दूंगा क्योंकि दोनों ही बेकार लग रहा है एंड उतना अच्छा नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताना गाइस आप लोगों को कौन सा फिस्ट स्किन अच्छा लगा, मुझे तो एक भी नहीं लगा। बाकी गाइस मैंने कंपैरिजन करके बता दिया कौन सा बेस्ट है और कौन सा घटिया है। अभी आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों के कंपैरिजन वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस ये वीडियो बनाने में बहुत ही हार्ड वर्क लगा, बहुत ही मेहनत किया मैंने इसके लिए, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।